भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS 2011 बैच के टॉपर व जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट के संस्थापक शाह फैजल पर भी PSA लगा दिया गया है। तो ऐसे में आइए जानते हैं क्या है PSA और यह किन परिस्थितियों पर किन लोगों पर लगाया जा सकता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2011 बैच के टॉपर और जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट के संस्थापक शाह फैजल पर भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिया गया है। शाह फैजल पर किन आरोपों के तहत PSA लगाया गया है अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। फैजल को पिछले साल अगस्त में दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया था। वह दिल्ली से विदेश जा रहे थे जिसके बाद उन्हें दिल्ली से श्रीनगर लाया गया और उनके घर पर उन्हें नजरबंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद फैजल को उनके एक ट्वीट की वजह से हिरासत में ले लिया गया था। पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद घाटी के तमाम दिग्गज नेताओं को उनके घरों में ही नजरबंद कर दिया गया है। इसी महीने जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और PDP यानी कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर भी PSA लगाया है। ऐसे में हमारे आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर PSA क्या होता है और यह किन परिस्थितियों में लगाया जाता है। सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक की गिरफ्तारी या नजरबंदी की अनुमति देता है। यह कानून 1970 के दशक में जम्मू कश्मीर में लकड़ी की तस्करी को रोकने के लिए लागू किया गया था, क्योंकि उस समय ऐसे अपराध में शामिल लोग मामूली हिरासत के बाद आसानी से छूट जाते थे। पूर्व मुख्यमंत्री और फारूक अब्दुल्ला के पिता व पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के दादा शेख अब्दुल्ला ने लकड़ी तस्करों के खिलाफ इस अधिनियम को एक निवारक के रूप में लाया, जिसके तहत बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल की सजा देने का प्रावधान किया गया। PSA एक्ट के प्रावधान के मुताबिक सरकार को हिरासत में लिए व्यक्ति को 4 हफ्ते के भीतर एक एडवाइजरी बोर्ड के सामने पेश करना होता है। एडवाइजरी बोर्ड 8 हफ्तों के भीतर हिरासत की अवधि को लेकर फैसला लेती है। अगर बोर्ड को लगता है कि किसी व्यक्ति को हिरासत में रखे जाना जरूरी है तो उसे 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। 1990 के दशक की शुरुआत में जब राज्य में उग्रवाद भड़का तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट पुलिस और सुरक्षा बलों के काम आया। 1990 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने राज्य में विवादास्पद सशस्त्र बल अधिनियम को लागू किया तो बड़े पैमाने पर PSA का इस्तेमाल लोगों को पकड़ने के लिए किया गया। PSA के तहत हिरासत की एक आधिकारिक समिति द्वारा समय समय पर समीक्षा की जाती है और इसे उच्च न्यायालय में चुनौती भी दी जा सकती है। सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम PSA सरकार को 16 से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए रखने की अनुमति देता है। 2011 में न्यूनतम आयु 16 से बढ़ाकर 18 कर दी गई थी। हालिया दशकों के दौरान इसका इस्तेमाल आतंकवादियों, अलगाववादियों और पत्थरबाजों के खिलाफ किया जाता है। 2016 में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी की हत्या के बाद कश्मीर घाटी में विरोध प्रदर्शनों के दौरान PSA के तहत 550 अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया था। मेरा नाम है उत्कर्ष, कैमरे के पीछे थे श्याम पटेल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें।